में बात करेंगे क्रॉसबिट की तरफ से स्पेक्ट्रा सीरीज की। एक नहीं दो दो वॉच है भाई, और दोनों ही वॉच काफी ज्यादा अमेजिंग है। नाम के साथ साथ काफी सारी चीज सिमिलर मिलती है दोनों में, जैसे कि दोनों एक ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच है, इवन डिस्प्ले भी सेम है, दोनों ही आपको एमुलेट डिस्प्ले वाले वॉचेज है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है वो वीडियो बताएंगे आपको। बाकी अभी पहले अनबॉक्स कर लेते हैं छोटे वाले का। इसका नाम है इग्नाइट स्पेक्ट्रा, बड़े वाले भैया का नाम स्पेक्ट्रा प्लस है। तो पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। बॉक्स तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रपोज कर रहा हूँ। अरे गिर गया। सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट पेपर मिलेंगे आपको, 6 मंथ की वारंटी आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, कुल मिला के 1 साल की। ये रहा फर्स्ट इंप्रेशन भाई। ये वाला जो भाई ग्रीन कलर है काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है भाई, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट कलर भी है। इसको भी साइड रखते हैं। और आपको यहाँ पे चार्जिंग केबल मिल जाएगा, ये 4 पिन वाला कनेक्टर है, और आगे आपको यूजर मैनुअल मिल जाएगा जिसकी आपको जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको सब बताएंगे, और अभी बड़े भाई को भी खोल लेते हैं। इसके बॉक्स में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, पहले ऊपर का बॉक्स हटाओ, उसके बाद फिर परपोज वाला बॉक्स आएगा। हमेशा की तरह वही सेम फ्री स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाएगा आपको, उसको आपको रजिस्टर करके निकालना पड़ता है। इसे फ्री में नहीं मिलेगा डायरेक्ट, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको। आगे वही वॉच मिल जाएगी आपको, इसका कलर आपको थोड़ा सा ग्रे टोन में है, लेकिन दोनों ही वॉच काफी ज्यादा सिमिलर लगती है देखने में। अगर आप सामने से देखो तो आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे, क्योंकि स्पीकर का भी प्लेसमेंट सेम है, पूरा बिल्ड भी एग्जैक्टली सिमिलर सा है, और आपको मेटालिक बिल्ड है। इससे चोट ज्यादा जोर से लगती है, इसका मतलब ये कि अच्छा वाला मेटालिक बिल्ड है। गाना वाने बजेंगे आपको सब दिखाएंगे। वही सेम आपको पोगो पिन वाला चार्जर मिल जाएगा, और वही सेम पुस्तक मिलेगी जिसका कुछ काम अभी तक नहीं आया है। तो सिंपली इन दोनों ही वॉच का भाई पर्दा हटा देते हैं, और अभी ऑन भी कर लेते हैं। सिमिलरली दोनों ही वॉच के डिस्प्ले काफी ज्यादा सिमिलर है, और डिस्प्ले बहुत ज्यादा वाइब्रेंट और ब्राइट है। और अभी बात कर लेते हैं आउटडोर में डिस्प्ले के बारे में। अभी दोनों ही वॉचेस फुल ब्राइटनेस पे आप देख सकते हो, लेकिन बड़े भैया थोड़े ज्यादा ब्राइट लग रहे हैं, और इसकी डिस्प्ले स्लाइटली बेटर है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, 5% का डिफरेंस होगा। वैसे 625 nits की ब्राइटनेस मिल जाती है यहाँ पे, और दोनों ही वॉच के अंदर आपको रेस टू वेकअप मिल जाएगा। बड़े भैया छोटे भैया दोनों बहुत ही अच्छा काम करते हैं, मैंने अपने टेस्टिंग में चेक किया भाई, रेस टू वेकअप में कोई इशू नहीं है। और एक चीज बहुत ही अच्छी लगी मुझको, दोनों ही वॉच के अंदर आपको लो पावर मोड मिल जाता है। बेसिकली इससे क्या होता है कि जब भी आपकी बैटरी थोड़ी कम होगी, इसको ऑन कर लेना, डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम हो जाती है, लेकिन इतनी कम नहीं होती कि विजिबल नहीं होगा। आप आराम से आउटडोर में इसको यूज कर सकते हो, बहुत ही अच्छा विजिबल रहेगा, क्योंकि एक एमुलेट पैनल है, और आपकी वॉच की बैटरी लंबी चल जाएगी। वैसे दोनों ही वॉच को यूज करना बहुत ही आसान है। कंट्रोल पैनल में आपको ब्राइटनेस मिल जाएगा, यहाँ से ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो। थिएटर मोड यहाँ पे मिल जाएगा, थिएटर मोड बेसिकली वही है जब भी आप मूवी देखने जाओ या फिर आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, ऑन कर दो इसको, ब्राइटनेस कम हो जाती है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, और कॉल भी साइलेंट हो जाता है। और बहुत ही ज्यादा यूजफुल दोनों ही वॉच में आपको टॉर्च मिला है। मुझे पहले लगता था कि भाई टॉर्च क्यों रखते हैं वॉच में, लेकिन एक्चुअल में काफी ज्यादा काम आता है। अपना टॉर्च ऑन हो चुका है, और भाई यहाँ पे अपने पेंटिंग का टेक्सचर चेक कर रहा हूँ मैं, और काफी सही दिख रहा है भाई। मेरा यहाँ पे फोन खो गया था दोस्तों, देखो मिल चुका है, प्री प्लान खोया था ये। रात वक्त में ताला वाला खोलना होता है ना, उसमें ज्यादा काम आता है। और वॉच के अंदर आपको दो तरीके का मेन्यू मिलता है, एक है ये आईफोन वाला, एक है ये एंड्रॉइड वाला, जो आपको यूज करना आप कर सकते हो। लेकिन एक अच्छा है एंड्रॉइड वाले में, बैक आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे बैक ऐसे नहीं होगा, यहाँ आपको बटन दबाना पड़ेगा। सो अभी बात कर लेते हैं एक्चुअल एक्सपीरियंस के बारे में। दोनों ही वॉच बहुत ज्यादा अमेजिंग लगी मुझको। सबसे पहले जो इनकी बिल्ड क्वालिटी है, प्राइसिंग है, एक्सपीरियंस है, मतलब की स्ट्रैप की क्वालिटी, हर एक चीज की टेस्टिंग हम लोगों ने काफी ज्यादा अच्छे से कर ली है। मतलब मैं 3-4 दिन से ऑलमोस्ट इसको यूज कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में आपका भाई थोड़ा बिजी हो गया था। सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल में दोनों वॉचों को डिफरेंस क्या मिलेगी। डिस्प्ले वाला डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा डिफरेंस है जो बड़े वाले भैया हैं, इनके अंदर आपको इनबिल्ट स्टोरेज मिलता है सॉन्ग के लिए, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको 4 पिन मिलता है आपको लगाना है यहाँ पे, और लैपटॉप में अपना पिन लगा दो, चार्जिंग तो स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 480 MB मिलता है, तो ऑलमोस्ट आप 100+ सॉन्ग्स इसमें आराम से स्टोर कर सकते हो, और ट्रांसफरिंग स्पीड भी सही सही से मिल जाती है। और हमने भी इसमें सॉन्ग डाल लिया है। वॉच के मेन्यू में आपको यहाँ पे तो म्यूजिक प्लेयर मिलेगा, चेंज करना पड़ेगा लोकल म्यूजिक में, बस प्ले कर दो फिर। एक्चुअल में भाई काफी अच्छी वॉल्यूम है भाई, बहुत लाउड है, क्लियरिटी भी काफी अच्छी है, वाओ की मेरे वतन की। लेकिन ये मस्ती आप छोटे वाले में नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं भाई, डिफरेंस जो आपको है 1000 रुपए का। इवन म्यूजिक के अंदर आपको ब्लूटूथ का मोड मिलता है, यहाँ से आप अपना ट्रू वायरलेस एयरफोन, वायरलेस एयरफोन सब कनेक्ट कर सकते हो। एक बार हम भी कनेक्ट कर लेते हैं। मेरा एयरपॉड्स अभी पेयरिंग मोड पे, और यहाँ पे आप देख सकते हो एयरपॉड्स आ रहा है। इसको कनेक्ट करके डायरेक्ट यहीं से होगा भाई म्यूजिक का तालमेल, मोबाइल का कोई केस नहीं है। वैसे एक चीज है, स्मार्ट वॉच के आपको बेजल थोड़े ज्यादा मिल जाते हैं, ऑल्दो एक बहुत ही अच्छी 1.7 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है आपको। और डिजाइन के मामले में जितना भी इस वाले वॉच को मैंने यूज किया है, डेफिनेटली बहुत ही प्रीमियम फील होता है, क्योंकि इसका जो पूरा बिल्ड है भाई पूरा मेटालिक बिल्ड है, और एक बॉक्स डिजाइन, इवन कि इसका जो स्ट्रैप है पूरा पूरा सिलिकॉन बेस्ड स्ट्रैप है, बहुत ही हाई क्वालिटी स्ट्रैप लगा है मुझको, और यूज करने में कोई भी इरिटेशन नहीं होता है आपको। इवन कि इसका वेट बैलेंस भी काफी अच्छा है, मतलब आप इसको पहन के आराम से सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बार वेट भी चेक कर ही लेते हैं,
अपने जो बड़े वाले भैया इनका वेट आ रहा है 49 ग्राम्स। इवन के छोटे वाले भैया भी इसी के आसपास है। डिफरेंट कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन वाला जो लिंक है ना उस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कौन कौन से और कलर्स मिलने वाले हैं। और डेफिनेटली एक प्रीमियम वॉच है, स्मार्ट वॉच है भाई, स्मार्ट हरकतें करेगा। उसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं हम लोग एक बार अपने प्रोफेशनल दोस्त के साथ मिलकर। पहले स्पेक्ट्रा की टेस्टिंग करते हैं। अपने वॉच में 71 के अराउंड आ रहा है और ऑक्सीमीटर में भी एग्जैक्टली 71 आया है। इवन की जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे तो लाइव ट्रैकिंग का भी नंबर भाई काफी ज्यादा सिमिलर था। डेफिनेटली क्रॉसबीट ने बहुत ही अच्छा सेंसर यूज किया है इसकी ट्रैकिंग को मैच करने के लिए। वैसे हम लोगों ने पहले भी क्रॉसबीट की बहुत सारी वॉचेस ट्राई की है, सबकी ट्रैकिंग बहुत अच्छी होती है। वैसे आपको SpO2 और ब्लड प्रेशर दोनों की मॉनिटरिंग मिल जाती है। वैसे एक बार स्पेक्ट्रा प्लस की भी टेस्टिंग कर लेते हैं। वैसे दोनों ही वॉच के अंदर मेरे हिसाब से सिमिलर सेंसर डाला गया होगा। अपने वॉच ने 73 BPM दिखा दिया और अपने ऑक्सीमीटर में 76 की रेटिंग्स आई है। और जितने मैंने टेस्टिंग की उसमें काफी एक्यूरेट आया है। इवन कि इसको पहन के हम लोग सोए भी हैं। दोनों ही वॉच हमने बारी बारी से पहन के सोए हैं भाई, एक एंड्रॉइड फोन के साथ था। अच्छी बात यह कि ये वाली वॉच iOS एंड्रॉइड दोनों सपोर्ट करती है। टोटल 3 घंटे 28 मिनट में कल सोया था क्योंकि एक्चुअल में 5 बजे सोके 8:30 बजे उठ गए थे हम लोग। काफी मेहनत चल रही है लेकिन डीप स्लीप लाइट स्लीप इसने सारी चीजें अच्छे से बिल्कुल मेंशन की है। तो किसी भी प्रकार की ट्रैकिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसको आराम से यूज कर सकते हो अपने जिम में एक्सरसाइज करने के लिए। और जिम की बात हो रही थी तो वॉच के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रेनिंग वाला फंक्शनैलिटी। इसमें आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे देखने को। यूज तो हम दो तीन ही करते हैं, जैसे कि ये रनिंग वाला देख लेते हैं एक बार। स्टेप डिस्टेंस हार्ट रेट और कैलोरी बर्न यहाँ पे आपको काउंट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन मिसिंग है। मेरे हिसाब से इनबिल्ट म्यूजिक है तो यहाँ पे म्यूजिक वाला फंक्शनैलिटी होना चाहिए था। ऑल दो आप म्यूजिक बैकग्राउंड में भी रन कर सकते हो और जिम में अगर आपको कॉल आ जाता है तो आप कॉल भी उठा सकते हो क्योंकि दोनों ही वॉच के अंदर आपको कॉलिंग फीचर मिल जाता है। एक बार चेक कर लेते हैं। वैसे फोन कॉल के लिए आपके फोन के ब्लूटूथ में जाओ और यहाँ पे ऑडियो स्पेक्ट्रा प्लस आएगा, इससे कनेक्ट कर लेना है आपको। उसके बाद एप्लीकेशन में जाके आप फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद कंफर्म कर लेना और डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। और वॉच के मेन्यू में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सारा कॉन्टैक्ट्स दिख जाएगा। एक बार माधव को कॉल कर लेते, मोबाइल पे भी लग चुका है। हाँ भाई क्या हाल है, क्या कर रहा है भाई? वीडियो एडिटिंग चल रही है क्या? भाई बेइज्जती, ऑन कैमरा बेइज्जती कर रहा भाई तू। वॉच के अंदर कॉलिंग मिल जाता है और कॉलिंग की क्वालिटी एग्जैक्टली सिमिलर ही मिलेगी और आपको अंदाजा हो गया होगा। माधव को हमने सरप्राइज कॉल किया था, भाई को लगा कि हम आईफोन से बात कर रहे हैं। स्पीकर काफी रिच साउंड प्रोड्यूस कर रहा है और ऐसा कुछ यूआई देखने को मिलेगा आपको। और यहाँ से आप कॉल म्यूट भी कर सकते हो और अदर्स में आके आप यहाँ से हर चीज कंट्रोल कर सकते हो। फुल डे हार्ट रेट ट्रैकिंग हो गया, वाटर रिमाइंडर हो गया, हार्ट रेट अलर्ट भी हो जाता है यहाँ पे और वेदर फोरकास्टिंग हो जाएगा। वॉच के अंदर यहाँ पे आपको वेदर देखने को मिल जाएगा और दूसरा यहाँ से आप वॉच फेस भी अपडेट कर सकते हो और कस्टम वॉच फेस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पे। टोटल 200 वॉच फेसेस का कलेक्शन है यहाँ पे आपको। तो एक हम भी अपडेट कर लेते हैं भाई, ये एक मिनिमल वाला लगा लेते हैं हम लोग और ट्रांसफरिंग स्पीड भी सही लग रही है यहाँ पे। और अपना वॉच फेस अपडेट हो गया, ब्लैक वॉच फेस है, काफी ज्यादा मिनिमल और ऑल व्यू डिस्प्ले वाला फील आ रहा है वॉच के साथ। मुझे सच में इस प्राइस में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले लगा इस वाले वॉच का। और फीचर्स की बात हो रही थी तो वॉच के अंदर भी आपको काफी सारे फीचर्स मिल जाएंगे। वॉच के अंदर से आपको अलार्म मिल जाएगा और अलार्म आप यहीं से सेट कर सकते हो। और इन दोनों ही वॉच की वाइब्रेशन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। जब आप क्लाइंबिंग पे वाइब्रेट करेगा ना आपकी दुनिया उठ जाएगी, आप तो साथ ही उठोगे। वो अच्छी चीज है, आपको उठाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच टाइमर पीरियड्स आपके वो मेरे लाइट चलेगा यार, कोई बात नहीं कंटिन्यू करते हैं। और कैलकुलेटर भी मिल जाएगा और इसका टच वॉच भाई बहुत ज्यादा इसमें होता है, तब आराम से यूज कर सकते हो। और वीडियो के लास्ट में इन दोनों वॉच की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो छोटे वाले भैया इनके बॉक्स में इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है 10,000 रुपए और एक्चुअल में आपको मिलेगा ये 4999 में। लेकिन अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करोगे टेकूप तो आपको 5% का और डिस्काउंट मिलेगा, मतलब कि आपको 4700 के अराउंड मिल जाएगा। और भाई उस प्राइस पे बहुत ही अच्छा जस्टिफाई करता है क्योंकि भाई इसका डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग है, कॉलिंग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जितनी भी ट्रैकिंग कर रहा है काफ़ी एक्यूरेट है। और ऑन अदर साइड देखें अगर अपने बड़े भैया की, इनकी प्राइसिंग आपको मिलेगी 6,000 रुपये, बॉक्स में तो 12,000 मेंशन किया गया और हमारा कूपन कोड यूज़ करोगे अगेन 5% का ऑफ। तो उसके हिसाब से भाई इसकी प्राइसिंग भी काफी अच्छी है क्योंकि दोनों ही वॉच की डिस्प्ले वन ऑफ द फाइनेस्ट डिस्प्ले आपको मिलेगी इस प्राइस पॉइंट पे। जो भी आपको फीचर्स मिल रहे बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जैसे कि इसका म्यूजिक क्वालिटी भी काफी अच्छा था, ट्रैकिंग भी काफी अच्छा है और सबसे अच्छी बात बहुत ही प्रीमियम फील होता है जब भी आप इस वाले वॉच को यूज करोगे। तो इन दोनों ही का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप चेकआउट कर सकते हो और लेना हो तो आप ले सकते हो, अभी प्री बुक पे लेकिन आपको जल्दी डिलीवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।